partial differential equation. Partial differential equation. Equation is called partial differential equation if degree contain more than one independent variable. अब dy by dx क्या था? Dependent variable, independent variable. यानी independent variable में अगर एक से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. एक से ज़्यादा, जैसे x है, इसमें z भी इन्वॉल्व हो जाए, y भी इन्वॉल्व हो जाए. ध्यान दीजिएगा, अब जैसे z है, डेल z को एक बार यहाँ x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, तो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हुए कि नहीं हुए. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें x है और y है, यानी मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x एंड y. इसमें आप देखेंगे इसमें x एंड y है, ये आर्डर 2 का है, ये भी आर्डर 2 का है. अब सिंबल आप पहचानिए क्या होता है. सिंबल, सिंबल आपका है p, डेल z बाई डेल x. एक q है, डेल z बाई डेल y. r क्या है, डेल 2 z डेल x स्क्वायर. s क्या है, डेल 2 z डेल x डेल y. t क्या है, डेल 2 z डेल t स्क्वायर. ये आपके सिंबॉलिक हैं जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में सहायता मिलेगी. कहीं p और q, r, s के t के फॉर्म में कहीं मिलेगा सिंबल, तो आप उस सिंबल से पहचान जाइएगा कि यहाँ वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा और ये वैल्यू आपको याद भी करनी पड़ेगी. प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी. ये आपका इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे लाप्लास कहते हैं. ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे वेव इक्वेशन कहते हैं. आपका थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में आपका ये वेव इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगा. और ये हीट कंडक्शन इक्वेशन है. अब आर्डर एंड डिग्री आपको समझना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में. आर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है उसका हायर डिग्री, हायर डिग्री जो होगा उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. हायर ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री, यानी सबसे पहले ऑर्डर पे जाएंगे, मैक्सिमम ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर पे चेक कर लेंगे, मैक्सिमम डिग्री मिलेगी, वही ऑर्डर हो जाएगा, वही डिग्री हो जाएगी. जैसे इसकी बात करेंगे तो यहाँ मैक्सिमम ऑर्डर आपका 2 है, मैक्सिमम ऑर्डर 2 है और इस पर पावर कितनी है, 1 है. तो आप चेक कर सकते हैं ऑर्डर डिग्री का नियम वही चलेगा जो डिपेंडेंट में चलता था. अब फॉर्मेशन, किस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा अगर ऑर्डर 1 में है. ध्यान दीजिएगा ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट है ये ऑर्डर 1 में है, p है एंड q है. और p और q को एलिमिनेट करने का तरीका है, इसको लैग्रांज मेथड भी बोलते हैं. इस तरह का आपका ऑर्डर 1 में दो तरीके से आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट टाइप का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपका एग्जांपल है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. यानी फर्स्ट मेथड जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाने के बाद में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है. इसमें आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी आ रहा है, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो आ रहा है ए बी एंड ए बी आ रहा है. इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्मेशन करना है. फॉर्मेशन करने के लिए इसमें आपको ए एंड बी हटाना पड़ेगा, इसमें आपको भी ए एंड बी हटाना पड़ेगा, इसमें भी ए एंड बी आपको हटाना पड़ेगा पार्शियल डिफरेंशियल. नोट कर लीजिए, ये आपके तीन क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन को हम समझाने की कोशिश करेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये आपका क्या है, जेड इक्वल टू ए एक्स बी वाई प्लस ए बी लिखा हुआ है. इसको एक बार हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, आपका a आ जाएगा, यानी p की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई. फिर एक बार इसको b के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, b आ जाएगा. तो आपका एक कांस्टेंट की वैल्यू, a की वैल्यू p हो गई और यहाँ पर आपका कांस्टेंट b की वैल्यू क्या हो गया, q. p a और b की वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. आपका ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का तैयार हो गया, पहला सोल्यूशन. इसके बाद में सेकंड सोल्यूशन ध्यान दीजिएगा, ए लिखा है, ए स्क्वायर लिखा है, बी स्क्वायर लिखा है. पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आपका ए मिल जाएगा. और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये क्यू मिल गया, टू ए स्क्वायर. अब यहाँ पर ए की वैल्यू आप यहाँ से उठाइए, आपका पी है, यहाँ पुट कर दीजिए, आपका ये सोल्यूशन बन गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में नहीं पुट करना पड़ा, इसमें इसी का यूज़ करते हुए इसी में इस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम तैयार कर सकते हैं. इसके बाद में थर्ड सोल्यूशन है, थर्ड सोल्यूशन है आपका जेड इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन
विथ रिस्पेक्ट टू, एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का आपका 1 हो जाएगा, ये b मिल जाएगा। एक बार y आपका यहाँ ये डेल जेड बाई डेल एक्स को p लिख देंगे, b प्लस वाई आ गया। एक बार y के रिस्पेक्ट में कर देंगे, डेल जेड बाई डेल वाई मिलेगा। यहाँ पर जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, आपका ये वैल्यू मिलेगा x प्लस a। तो x प्लस a की वैल्यू और b प्लस y की वैल्यू आपकी निकल गई, एक p के फॉर्म में एक q के फॉर्म में। x प्लस a की वैल्यू और b की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, इक्वेशन इसमें पुट कर दीजिए, x प्लस a और y प्लस b, आपका सोलूशन बन जाएगा z इक्वल टू क्यू पी। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का सोलूशन है, फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन है, एलिमिनेशन आर्बिटेरी कांस्टेंट है। ओके, सोल्यूशन फोर भी है इसमें, सोल्यूशन फोर पे फोकस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें z को ढूंढ लेते हैं, z को बनाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, z इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई, बी को इधर ट्रांसफॉर्म कर देंगे, माइनस बी हो जाएगा, z को अपान में भेज देंगे। एक बार z a कैंसिल हो जाएगा, वाई बाई बी, बी बाई ए, ठीक। डेल जेड बाई डेल एक्स को पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, आपका ये आपका p मिल जाएगा। फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, y करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, ये दोनों आपका हो जाएगा 0, और a मिल गया, b मिल गया, ये आपका q हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर a होना चाहिए था, या यूँ कहें a की वैल्यू उठा के p पुट कर देते हैं। यहाँ पर आपका मिला है a, ये दिख रहा है, और ये वैल्यू आपकी है p, तो p की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी क्यू हो जाएगा, या क्यू इक्वल टू वन बाई पी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू पी इक्वल टू वन आ गया। तो ये मैंने जो आपको बताया है, ये एलिमेंट्री जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उनको एलिमिनेट करने का तरीका बताया है, फर्स्ट मेथड है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी किसी भी इक्वेशन को दे दिया जाए, आप उसको किस में बनाएंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बना देंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर हैं तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करेंगे और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो अगले लेक्चर में मिलेगा।